तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, वो है कि हेलोकार्बन नंबरिंग। तो हेलोकार्बन नंबरिंग क्या होता है? आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में ऐसे कंपाउंड्स देखे होंगे जो ऐसे रिप्रेजेंटेड किया हुआ है CFC-11 या मान लीजिए कि CFC-115। कुछ ऐसे कंपाउंड्स आप लोग बुक्स में देख सकते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये CFC इसका फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ ये नोटेशंस देख के। तो यही आज हम सीखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये CFC-115 ही हम लोग लेते हैं। तो CFC-115 ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है, इस नंबर को हम लोग पहले 90 से प्लस कर देंगे। तो देखिए 115 से अगर आप 90 को प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 205। तो इस 205 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अब हम लोग इस 205 को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। ये जो पहला डिजिट आता है 2, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C। तो ये पहला डिजिट इस नंबर का 90 से प्लस करने के बाद जो नंबर मिलता है, इसका जो पहला डिजिट आता है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट कंपाउंड। तो मैं अगले डिजिट पे जाऊंगा, ये जो डिजिट है 0, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मैं ऊपर लिख देता हूँ, उस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 0 है क्योंकि मिडल का जो वैल्यू है वो 0 मिला। अब लास्ट में जो डिजिट आता है ये है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, ये है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो आप लोग एक चीज शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है लेकिन क्लोरीन का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। देखिए दोस्तों, कार्बन एटम्स यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सी बॉन्डेड सी, दो कार्बन एटम्स हम लोगों को मिल गया, हाइड्रोजन 0 है और फ्लोरीन है 5। तो 5 फ्लोरीन हम लोग ऐसे असाइन कर देंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन दे देंगे। तो ये आ गया 5 फ्लोरीन, और ये जो एक वैकेंट स्पेस है ये होगा हम लोगों का कार्बन एटम, क्लोरीन एटम, ये हो गया हम लोगों का क्लोरीन एटम। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, C2F5Cl। तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि सिर्फ ये नोटेशन देख के CFC-115, सिर्फ ये नोटेशन देख के हम लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर पाए या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लिए। तो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये जो कंपाउंड है इसका हम हेलोकार्बन नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, पहले ऐसे आप लोग एक डायग्राम बना लीजिए, CH और फिर F। तो C के अंडर देखेंगे हम कितने एटम्स है, 2 एटम्स, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 एटम्स है और फ्लोरीन यहाँ पे है 3 एटम्स। तो ये आ गया हम लोगों का नंबर। अब हम लोग इससे 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे 90 सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोगों के पास पड़ा रहता है 3, 1, 1, 1, 1, ये है हम लोगों का नंबर। तो हम लोगों का CFC-113 होगा ये कंपाउंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि हेलोकार्बन नंबरिंग एक काफी आसान सी चीज है, काफी एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और मेनली ये एयर पोल्यूशन का ही एक सब टॉपिक है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वीडियो एक बार अच्छी तरह से देख ले और समझ लीजिए। थैंक यू।